हेलो गाइस, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी। तो हम इसमें डालेंगे, हम ये जो हमने बथुआ ले रखा है, ये आधा किलो बथुआ है, तो हम इससे अपना आटा गूंदेंगे। तो इसको हम, इसकी प्रोसेस बाद में है, इसको हम साइड करेंगे अभी। और मैंने लिया है 1/2 kg आलू, ये 500 ग्राम आलू है। और ये लिया है मैंने 300 ग्राम मटर। तो हम इसको पहले स्टफिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। हमने स्टफिंग के लिए जो हम कुछ मसाले उसमें यूज़ करेंगे, वो ये मसाले, हमने तेल लिया है इसमें 2 टेबल स्पून तेल है, गरम मसाला लिया है 1/4 चम्मच, मिर्ची पाउडर लिया है 1 चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, दो ये तीखी मिर्च है, मैंने 2 मिर्ची काट ली है, हींग ली है 2 पिंच, और ये लिया है हमने जीरा पाउडर, और लिया है हमने अदरक, ये अदरक 2 चम्मच है, इसको ग्रेट कर लिया है, ये 2 चम्मच अदरक है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने गैस में कढ़ाई को रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, इस पे हम डाल देंगे, ये हमने मिर्ची ली थी तो ये मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको ढक देंगे, क्योंकि ये बीज उछलते हैं, तो हम इसको मिर्ची डालने के बाद थोड़ा सा इसको लिड से कवर कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये अदरक और हम इसको थोड़ा सा इसको सेंक लेंगे। अदरक का कच्चापन निकल जाए, ज़्यादा नहीं हमको पकाना है, अदरक का हल्का सा कच्चापन निकल जाना चाहिए। और अब हम इसी में डाल देंगे मटर, मटर में मटर को मैंने बॉईल कर लिए थे, इसलिए हमको इसको ढकना नहीं है। अगर आप मटर डायरेक्ट डाल रहे हैं, कच्चे मटर, तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के 1 मिनट के लिए ढक के पका लें, तो मटर अच्छे से पक जाएंगे। तो मैंने इसको, मटर को पहले ही बॉईल कर लिया था, मटर पके हुए हैं, तो हम इसको नहीं पकाएंगे ज़्यादा। और इसी के साथ में इसमें डाल दूंगी आलू, तोड़ के ही डालें आलू को, कद्दूकस नहीं करना है, नहीं तो वो टेस्टी नहीं लगते हैं। तो आलू को हम ऐसे ही बड़ा बड़ा तोड़ के सारे डाल देंगे इसमें। मैंने सारे आलू इसमें तोड़ के डाल दिए हैं मटर के साथ ही, और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी में डाल देंगे हम अपने मसाले। 1 चम्मच ये नमक है, तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। हींग डालेंगे, हींग थोड़ा सा मैं तेल में मैंने नहीं डाला, तेल हींग ऊपर से डालेंगे, फ्लेवर अच्छा आता है हींग का। और हम अब इसको अच्छे से चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। आलू को हम कद्दूकस ना करके ऐसे चलाते हुए ही फोड़ेंगे, तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा कद्दूकस करने से। थोड़ा आलू के पीस मिलने चाहिए, तो ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इस टाइम पे मैं इसमें कुछ और मसाले ऐड करूँगी। मैंने ये जीरा पाउडर लिया था, ये जीरा पाउडर इसी में ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला, और हमने ये ली थी रेड चिली, और ये अमचूर पाउडर। इसको अच्छे से चला लेंगे, 5 से 7 मिनट तक हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कचौरियों में थोड़ी सी आप बना के रख देते कचौरी और वो सॉफ्ट हो जाती है, उसका ये रीज़न है कि आपके मसाले में मॉइस्चर छूट गया है आलू के मसाले में बनाते टाइम। तो आप मसाले को जितना अच्छे से सेकेंगे, उतने ही क्रिस्पी समोसा और कचौरी बनेंगे। यही मसाला मैं समोसे के लिए भी बनाती हूँ, यही मसाला कचौरी के लिए भी बनता है। तो आप इससे चाहें तो समोसा बनाइए, और आपको
अगर कचौरी बनाना है तो आप कचौरी बनाइए और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज तो मैं अभी कचौरियाँ ही बनाने वाली हूँ। और आप पालक की भी कचौरी बना सकते हैं, आज मैं भथुआ की कचौरी बनाऊंगी, आप पालक की भी बना सकते हैं। और आज मैं बाजरे की भी कचौरी बनाऊंगी, इसमें आज मैं दो तरह की कचौरी बनाऊंगी, एक भथुआ की आटे की और भथुआ से गूंद के आटा और एक बाजरे की। तो आपको जो भी कचौरी अच्छी लगे आप उसको बनाइए। और इसको मैं 6 मिनट तक अच्छे से चला चला के सेक लूँगी, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी जब तक हम इसको सेकेंगे। इसमें अपने आप ये थोड़ा सा मसाला सूखा सूखा लगने लग जाएगा, जब इसका पानी अपने आप सूख जाएगा आलूओं का तो इसमें सूखापन लगने लग जाएगा और खुशबू बहुत अच्छी उड़ने लग जाएगी। तो हम इसको सेकते हैं, 8 मिनट हो गए हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से सेक लिया है, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं बचा है और 8 मिनट तक मैंने सेका। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, और धनिया तो बहुत ही ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम इसमें धनिया डाल के मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से सिक चुका है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, अगर आप इसको अच्छे से सेंक लेंगे तो इसकी खुशबू तो बढ़ी जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है, मॉइस्चर नहीं आता है समोसों में, कचौरी में, किसी कुछ भी आप बनाइए, बहुत ही अच्छे से इसको सेकना ज़रूरी है। तो आप इसको अच्छे से सेक लीजिए, सेकने में कोई जल्दबाजी ना करिए। और हम अब इसको डाल देंगे एक बर्तन में, जिससे ये मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा, और इसको साइड रख देंगे और हम अपना डो तैयार करेंगे। तो मैं इसमें डाल लेती हूँ सारा, इस पे सारा मैंने डाल दिया है। और जब तक ये मसाला हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा के लगाने के लिए भथुआ को मैंने जार में डाल दिया है और मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। इसमें हम पानी डाल के नहीं पीसेंगे, इसको बिना पानी डाले ही पीसेंगे। तो मैं पीस लेती हूँ, इसका पेस्ट बनाती हूँ। ये पेस्ट बन के भथुआ का तैयार हो गया है, ये स्टार्टिंग में पिस नहीं रहा था तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाला था, फिर इसका खुद का जूस निकल गया और उसी में से मैंने फिर सारा भथुआ पीस लिया। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल के रख दूंगी और अब हम आटा गूंदने की तैयारी करेंगे। इतना सारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे, जितना हमारा यूज होगा अभी हम उसको यूज़ करेंगे। और अगर ये बच रहा है तो आप इसको बिल्कुल मत फेंकिए, आप इसको एक सिंपल आटे में गूंद के इसके आप पराठे बना सकते हैं, ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम इसको अभी रख देंगे। अब हम कचौरी के लिए आटा लगाएंगे, मैंने लिया है ये 1/2 kg आटा, जिसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, और ये मैंने क्रश करके ले ली थी अजवाइन, तो हम इसको भी डाल देंगे। और इसी में डाल दूंगी मैं 1 कप तेल, और अजवाइन नमक के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप तेल, ये 1/2 कप है, इसको मैं 2 बार भर के डाल दूंगी। इसमें हम 1 कप तेल डाल लेंगे। 250 ग्राम मैदा में 1/2 कप मोयन पड़ता है, अगर आप मोयन अच्छा डालेंगे तो ही ये बहुत ही खस्ता कचौरी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाली है। तो इसमें मोयन आप अच्छे से मिक्स कर लें, मैंने मोयन को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको आटे को पानी डाल के गूंदेंगे, आटा हमको सख्त ही गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त मत गूंदें कि वो फटने लग जाए पूड़ियाँ, लेकिन हमको आटा इसका सख्त ही चाहिए, इसका आटा रोटी जैसा ना गूंदे, थोड़ा सा इसका अगर सख्त आटा करेंगे तो उसमें क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगी हमारी कचौरियाँ। तो हम आटे को गूंद लेते हैं और हम डाल देंगे इसमें ये जो हमने बेटर बनाया था भथुए का, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, पहले मैंने इसमें करीब 1/2 कप ही डाला है, और हमको और लगेगा तो हम इसमें और डाल लेंगे बाद में। तो मैं इसी से आटा अच्छे से गूंद लूँगी, हमको इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, हमको इसी के
बेटर से ही आटा गूंद के तैयार करना है। आटा हमने इसको गूंद लिया है। आधा किलो आटे में मैंने ये बथुआ का जो जूस इसमें डाला था वो मुझे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा, और इसको आप इतना ही टाइट गूंदें, बहुत ज़्यादा इसको लूज ना करें। और इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे साइड में, और हम इसको रेस्ट करने देंगे जब तक। हम लगा लेते हैं आटे को, हम रख देंगे रेस्ट के लिए, और जब तक हम लगा लेंगे बाजरे का आटा। बाजरे के आटे को मैंने लिया है, ये 150 ग्राम आटा है। इसमें मैंने 1/4 चम्मच से भी कम नमक लिया है, और इसमें ये 1/4 चम्मच से कम है थोड़ी सी, ये 3 पिंच मैंने अजवाइन ली है। इसमें डालेंगे हम मोयन, ये 1/4 कप मैं इसमें मोयन डाल दूंगी, और इसको हम अच्छे से मोयन को मिक्स कर लेंगे। मोयन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने बथुआ का पेस्ट बनाया था, तो इसको मैं डाल दूंगी। 2 से 3 चम्मच आप इसमें डाल लें, एक साथ ना डालें नहीं तो ये गीला हो जाएगा। इसमें पानी वैसे भी कम ही लगता है, तो आप इसको पहले धीरे धीरे करके ही डालें। तो मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दिया था, और ये एकदम से अब हमको इसमें बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट बन गया है ये। हमको इतना ही, ये बाजरे का आटा भी गूंद के तैयार कर लिया है, और हमको ये थोड़ा सा उस आटे से गीला चाहिए, क्योंकि जब हम, एक तो ये बाजरे का आटा है तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है, तो इसको अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट बनाएंगे तो ये फट जाएगा। तो हमको गेहूं के आटे से ज़्यादा थोड़ा सा टाइट बाजरे का आटा चाहिए, और हमने इसको एकदम परफेक्ट गूंद के तैयार कर लिया है। इसको भी हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए, और ये दोनों डो हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे कचौरी। आधा घंटा हो गए हैं आटे को रखे हुए, और ये आटा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है, सॉफ्ट, जितना हमको चाहिए था उतना ही सॉफ्ट है। हमको इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं। तो हम इसको एक बार से और ऐसे ऐसे कर लेंगे, इसको रख देंगे। बहुत ही परफेक्ट आटा लग के तैयार हो गया, और हमने ये लगाया था बाजरे का आटा। ये आटा भी रेडी हो गया है, तो अब हम कचौरियों को भर लेते हैं। हमने ये चकला ले लिया है, और इस पे हम आटे का एक पीस निकालेंगे, इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तो हम एक ही साइज की इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, और इसको हम, इसमें हम सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा रोल कर लेंगे। इस पे डाल देंगे स्टफिंग, तो ये मैंने लिया है। स्टफिंग, और इसको हम कवर कर देंगे। इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, और इसको हम रख देंगे प्लेट में। और आप चाहें तो इसको आप हाथ से ही बना सकते हैं। ऐसे करके इस पे स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग को आप इतनी साइज की लोई में 1 चम्मच से कम ही रखें, और इसको मैं अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इस
को वापस उसी तरह से बंद कर दूंगी। इसको भी रख देंगे। तो आपको जिस तरह भी इजी लगे आप उस तरह से कचौरियाँ बना सकते हैं। और मैं इसी तरह बाजरे की कचौरी बना के दिखाती हूँ। तो इसकी हम एक छोटी सी लोई लेंगे और इसको हम बेलेंगे नहीं, इसको हम हाथ से ही बना के भर लेंगे। बेलने से तुरंत फट जाएगी, बहुत ही आराम से इसको करना पड़ेगा। और इसको भी हम धीरे से प्रेस करते हुए हाथ में ही इसको भरेंगे। इसमें हम चकले में नहीं रखेंगे, इसको हम हाथ में ही गोल घुमाते हुए आराम से। ये मैंने कर दिया बंद इसको भी। तो मैं इसी तरह ये सारी कचौरियाँ बना लूँगी। ये भी बन के तैयार हो गई। तो मैं ऐसी सारी कचौरियाँ भर लेती हूँ। गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर देंगी जब तक मैं कचौरियों को फिल करती हूँ। जब तक ये तेल को मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ। तो इस हमको डीप फ्राई करनी है तो तेल इसमें ज़्यादा ही डालेंगे। मैंने ये तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। ये 250 ग्राम से ज़्यादा तेल है तो मैं इसको रख देती हूँ गरम करने के लिए। तेल मीडियम गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे एक एक करके अपनी कचौरी। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं होने देना है, जब ये मीडियम गरम हो तभी इसमें डाल देना है कचौरी। और हम बहुत सारी कचौरियाँ नहीं डालेंगे, हम इसमें 5 कचौरी डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे। अब इसको हम सारी कचौरियों को पलट देंगे। 2 मिनट हो गए हैं एक तरफ से पकाते हुए, अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पकाएंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। इसको लो फ्लेम में ही पकाएंगे। 12 मिनट हो गए हैं और मैंने इसको बहुत ही लो फ्लेम में धीरे धीरे सेक लिया है और ये सारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं और ये बहुत ही अच्छे से पक गई हैं। अभी मैं इनको सारे को निकाल लूँगी। ये जो बाजरे की हमने कचौड़ी बनाई थी इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि बाजरा होता ही थोड़ा सा डार्क कलर का, लेकिन ये भी पक के एकदम से तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी। और आप देख सकते हैं ये हमारी कचौड़ियों की पहचान होती है। जब हमने ये जहाँ से हम बंद करते हैं उनका जो मुंह होता है उसमें हल्का सा ऐसा निशान हो जाता है फटा जैसा, इसका ये मतलब है कि कचौरियाँ पक के रेडी हो गई हैं। तो मैंने ये सारी कचौरी निकाल ली है एक प्लेट में। मैंने सारी कचौरियाँ निकाल ली हैं, ये बहुत ही अच्छी और इसमें बहुत ही प्यारी सी एक ऐसे लेयर दिख रही है। अब इसमें दिख रही है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन बहुत ही अच्छे से लच्छे पराठे जैसी लेयर दिख रही है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी कचौरियाँ बनी हैं। तो मैं इसी तरह सारी कचौरियाँ बना लेती हूँ।